हलावी वर्स में हूं सरताज सर, आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब आज की इस क्लास में मैं आपको ग्राउंड जीरो यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश सिखाऊंगा। आज की इस क्लास में मैं आपको पांच ऐसे टिप्स दूंगा कि अगर आपको इंग्लिश में ABCD के अलावा कुछ भी नहीं आता है ना, तब भी आप बेहतरीन इंग्लिश बोल सकते हो, सामने वाले को ही दिखा सकते हो कि आपकी इंग्लिश कितनी जहरीली है। ऐसी कमाल की टिप्स है ये। अब ये ग्राउंड जीरो से इंग्लिश सीखने के लिए और कमाल की पांच टिप्स जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ग्राउंड जीरो से इंग्लिश सीखने के लिए बिना ग्रामर वाले पांच रूल्स टिप्स जो भी समझ लो। अब भैया पहले वाले पर नजर मारो और वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, माना कि एक्स बराबर नहीं, मैं तो मैं घुस गया, एक्स बराबर नहीं सॉरी, माना कि आपको एबीसीडी के अलावा कुछ भी नहीं आता, तो बस इतना तो पता होगा कि आने को क्या कहते हैं, जाने के तो सब रट लेते हैं, नहीं पता तो याद कर लेना। आना जाना, खेलना कूदना, पढ़ना, सोना सबको पता है। जाने को गो कहते हैं, आने को कम कहते हैं, सोने को स्लिप कहते हैं, पढ़ने को रीड कहते हैं। ये होती है वर्ब। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वर्ब में आईएनजी लगानी है। गो की जगह गोइंग, कम की जगह कमिंग, स्लिप की जगह स्लिपिंग। आप कहोगे लगा दिया, अब क्या करें, तो कमाल हो गया। कमाल यह हुआ कि जैसे ही आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई तो उसकी हिंदी हो गई रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, यह हिंदी हो गई। अब देखो आपको कुछ भी नहीं करना, लंबी ग्रामर में नहीं घुसना है। मतलब जब भी आपसे कोई पूछे किसी काम के लिए और आपको ये बताना है कि ये काम हो रहा है, वो ये कर रहा है, मैं ये कर रहा हूं, तो बस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के बोल दो। कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग और मैं तुम्हें इतना बुरा नहीं फंसाऊंगा। बस ये ट्रिक है एक तरीके की। जैसे क्या कर रहे हो, तुमने कहा पढ़ रहा हूं, तो लंबा चौड़ा मत सोचो, बस रीडिंग खत्म, इतना सही। क्या कर रहा भाई, रीडिंग। तो भाई सामने वाला हिल जाओ, भी कैसी इंग्लिश बोल रहा है, ना हेल्पिंग और ना सब्जेक्ट, इसका मतलब इसकी इंग्लिश बहुत एडवांस लेवल की है। इसी तरीके से सचिन कहाँ है, सचिन दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया, तो मानो वो खेल रहा है, तो खेलना मतलब प्ले आईएनजी लगा के बोल दो, प्लेइंग। ओ भाई साहब खेल रहा है वो, ओ समझ में आ गया। तुम क्या कर रहे हो, वॉचिंग वीडियो, अच्छा वीडियो देख रहे हो। इसी तरीके से मम्मी कहाँ है, मम्मी दिखाई नहीं दे रही, मम्मी कहाँ है, कुकिंग, कुकिंग कर रही है। अब थोड़ा और ऐसे थोड़ा अच्छे से बना लो, कुकिंग इन द किचन, किचन में कुकिंग कर रही है। तो देखो कोई फॉर्मूला कुछ चीज नहीं लगानी, बस काम में आईएनजी लगा दो। काम, आना जाना, खेलना कूदना, पढ़ना, आईएनजी लगा दो, इसका मतलब क्या, रहा है। और अगर कोई सवाल पास्ट में पूछे यानी रहा था में पूछे, तब भी आप इसी में जवाब दे दो। जैसे कल तू क्या कर रहा था, अब मानो कि आप सो रहे थे, सोने को स्लिप कहते हैं, स्लीपिंग, तो ऑटोमेटिकली अब ये रहा था हो गया क्योंकि उसने सवाल रहा था में पूछा है। तो कोई भी कैसे भी रहा है या रहा था में सवाल पूछे, आपको बोलना है आईएनजी लगा के। सही है, वीडियो पसंद आ रही है, नहीं आ रही है आपको, हां आ रही है, पसंद ना, लाइक आईएनजी लगा दो, लाइकिंग है ना, मजेदार, तो आईएनजी सीख लिया। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले फॉर्मूले की, और वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस और कुछ भी नहीं, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, इसी को तो ट्रिक कहते हैं। ये जीरो ग्राउंड से सिखा रहा हूं तभी तो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, वर्ब की मोस्टली जो कॉमन है तीन फॉर्म्स काउंट होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो आपको थर्ड फॉर्म भी याद कर लेनी है। जैसे आप गूगल पे सर्च कर लो, नहीं तो बहुत सारी डिक्शनरीज में या बहुत सारी किताबों में वर्ब के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म दी हुई होती है। आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट, गॉन, स्लिप, स्लैप्ड, स्लैप्ड, कम, केम, कम, ऐसे दी हुई होती है। अब बात करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म की। अब भैया वर्ब के थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म की हिंदी होती है कर लिया है, कर लिया है, बस ये मतलब होता है इसका, कर लिया है। अब क्या कर लिया है, तो सुनो कोई भी आपसे कोई काम पूछ रहा है और आपने कहना हाँ मैंने ये कर लिया है, तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। जैसे ही आप वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलोगे तो आपका जवाब अपने आप पूरा हो जाएगा और सामने वाले को लगेगा आपकी इंग्लिश अच्छी है क्योंकि आप बड़े शॉर्ट में जवाब दे रहे हो। चलो जैसे देखते हैं, अरे तो वो फिल्म आई है मिर्जापुर, देखी तुमने, नहीं देखी, तो आपने क्या कहना, देख ली है, यानी मैंने ये काम कर लिया है। तो देखने को वॉच बोलते हैं, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल दो, वॉच्ड, मिर्जापुर देखी, नहीं देख ली है, या फिर देख ली है, वॉच्ड। ओ भाई सब पहले तो वो डर जाएगा मिर्जापुर से ज्यादा तुमसे ही कि यार ये कैसे हो गया, ये इंग्लिश कैसे बोली, वॉच्ड। अब इसमें ना ये बोलना आई या एम या हैव, पे, कुछ नहीं, क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है तो आपने इतना बोलना है वॉच्ड, तो इसमें पूरा इंक्लूड हो गया। इसी तरीके से आपने जैसे कहना खाना खा लिया, नहीं खा लिया, अभी भूखा है और भूख लग रही है, खा लिया, आपने कहना खा लिया है, खाने को ईट बोलते हैं, थर्ड फॉर्म लिखनी बोलनी है, लिखनी है ईट, एट, इटन, खाना खा लिया, नहीं खा लिया, खा लिया,
Eaten. यानी कि भर लिया है, खा लिया है, ओ भाई वो हिल जाएगा। इतना शॉर्ट, इतना बढ़िया जवाब, और ये गलत नहीं है, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल एग्जैक्ट है, करेक्ट है, बस आपके लिए आसान कर दिया है ताकि आप ग्राउंड जीरो से सीख रहे हो तो आपको इंग्लिश जहरीली ना लगे। इसी तरीके से जैसा आपने आपसे किसी ने पूछा, अरे धोनी तो खेल रहा है, सचिन खेला नहीं खेला अभी, या खेल लिया, मान लो आपने कहा हाँ वो तो आउट भी हो गया, खेल लिया, तो आप कहेंगे प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। तो इस तरीके से कोई भी काम कर लिया है, देख लिया है, वॉच्ड, सो लिया है, स्लैप्ड, आ गया है, का कम, चला गया है, गॉन, तो कोई भी काम कर लिया है या हो गया है, तो वहां पे वर्क की थर्ड फॉर्म बोल देना। बहुत बढ़िया है, ये बहुत अक्सर काम आता है जब कभी हमें कुछ बोलना नहीं आता है, तो सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ओके ओके। अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, जो इंग्लिश नहीं भी जानते हैं कुछ ऐसे शब्द होते हैं यस नो ओके वोके सब यूज कर ही लेते हैं, आपको भी इसका मतलब पता होगा कि ओके का क्या मतलब है। मैं बता देता हूं फिर भी, ओके का मतलब होता है जी या फिर ठीक है। जब भी हम किसी चीज में अपनी हाँ भरते हैं या उसे समझ लेते हैं तो हम कहते हैं ओके ओके ओके। अब ओके आपने भी बोला होगा, नहीं बोला तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि आज मैं इसको कुछ एडवांस लेवल पे कर देता हूं। तो अगर अगर क्या, सॉरी पहले कुछ और बता देता हूं कि आपने हमेशा ये बोलने की आदत डालनी है ओके, लेकिन अब ओके को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है ताकि सामने वाले को खाली ओके बोलने से ये ना लगे अरे ओके तो सब बोल लेते हैं और ओके ही कितना बड़ा सीख लिया होगा इसने। अब मैं आपको दो बता देता हूं जो आप ओके की जगह बोलेंगे, पहला है इट्स ऑल राइट और दूसरा है आई गॉट इट। इट्स ऑल राइट एंड आई गॉट इट, अब दोनों का यूज समझना, दोनों को आपको ओके की जगह प्रयोग करना है। देख सुनो, इट्स ऑल राइट का मतलब है ठीक है, सही है, हाँ ऐसा कर लेंगे। किसी ने कोई काम करने के लिए कहा तो आपको इट्स ऑल राइट बोलना है, और किसी ने आपको कुछ समझाया और आपने कहा ठीक है मैं समझ गया हूं तो आपको आई गॉट इट बोलना है, भले ही वो हिंदी में बोले लेकिन आपको इंग्लिश के दोनों बोलने। चलो पहले कुछ काम देख रहे थे, जैसे किसी ने आपसे कहा कल शादी में आना है तो आपने कहते बोले ओके हाँ जी ठीक है आ जाएंगे, अब आप बोलना इट्स ऑल राइट हाँ जी बिल्कुल आ जाएंगे, सही है। या फिर किसी ने आपसे बोला भाई साहब कपड़े खरीद लिए तुम्हारे लिए वही वाले पहनने, इट्स ऑल राइट भाई साहब कल हमारे साथ खाना खाना है, इट्स ऑल राइट भाई साहब कल साथ चलेंगे घूमने, इट्स ऑल राइट। तो जहां पर भी आपको हाँ बोलना है या ठीक है बोलना आप इट्स ऑल राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा है आई गॉट इट, कोई आपको कुछ समझा रहा है तो आप जवाब में जब समझ जाओ ठीक है बोलते हो ना तो उसकी जगह बोलना आई गॉट इट। और 2 किलो केले लाने, और केले तो दर्जन में मिलते हैं दिल्ली में, 2 दर्जन केले लाने और 2 किलो आम लाने, सही है, तो आप क्या कहते हो हाँ ठीक है, तो आप इसकी जगह बोलो आई गॉट इट, आई गॉट इट, सही है समझ गया मैं, तब मैं इतने कमजोर नहीं हूं जो तुमने बताया मैं समझ गया हूं। तो कोई कुछ समझाए तो आई गॉट इट, इट्स ऑल राइट भी बोल दोगे तब भी चल जाएगा। इसी तरीके से आप किसी ने कहा देख 2 और 2 4 होते हैं, ये पहाड़ा यहां पर लगेगा, इसका होल स्क्वायर लगेगा, समझ गया आई गॉट इट, हाँ जी समझ में आ गया। इस तरह से इंग्लिश बोलनी है सामने वाले को भरम काटने के लिए, उनको लगे आपकी इंग्लिश अच्छी है, समझ गए आई गॉट इट। तो जहां पर भी आपको बोलना हाँ जी ठीक है सही है समझ गया आई गॉट इट, और जहां पर भी बोलना हाँ हाँ ओके ठीक है तो वहां पर इट्स ऑल राइट, बहुत बढ़िया। ये आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है यस और नो, यस और नो। और ये दोनों शब्द अभी मैंने आपको बताए थे ओके वाला जब मैं बता रहा था कि ये इतने कॉमन है कि इंग्लिश आती हो या ना आती हो बंदा यस और नो का यूज जानता है, दोनों का मतलब पता है ना, यस मतलब हाँ नो मतलब नहीं। अब किसी भी चीज को आपको हाँ बोलना होता तो आप यस बोल देते हो, ना बोलना होता तो नो बोल देते हो, लेकिन आजकल सामने वाले आइडिया लगाने लग गए कि ये खाली यस नो बोल रहा है, इसका मतलब इसे इंग्लिश ढंग की नहीं आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खाली यस और नो बोलकर आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, बल्कि मैं आपको बताता हूं कि आप यस की जगह ऐसा क्या बोले और नो की जगह ऐसा क्या बोले जो सामने वाला डर के भाग जाए, अपना धोती पोती उठा के भाग जाए वहां से आपके सामने से, फिर दोबारा इंग्लिश बोलने की हिम्मत ना करे। तो सुनो, जब भी आपको जिंदगी में यस बोलना हो, ग्राउंड जीरो वालों सुन लो ध्यान से, सुन लो, पूछता है भारत नहीं, मैं कहीं और पहुंच रहा हूं, सॉरी ध्यान सुनो। तो जब भी आपको लगे कि भैया मतलब जो है यस बोलना है तो आप उसकी जगह बोलो ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। जैसे खाना खाओगे भैया हमारे साथ तो आप पहले यस, अब ऑफ कोर्स, ओ भाई साहब खाना भी नहीं निकालेगा डर के मारे वो। इसी तरीके से लो चाय पियोगे तो पहले यस, अब ऑफ कोर्स, ओ भाई साहब कहेगा तुम चाय पीने वाले नहीं कॉफी पीने वाले हो। सो इसी तरीके से जहां जहां आपको यस बोलना है, ऑफ कोर्स वीडियो अच्छी लगी, ऑफ कोर्स मेरे साथ घूमने चलोगे, ऑफ कोर्स यहां चलोगे वहां चलोगे, ये खाओगे वो खाओगे वो करोगे, ऑफ कोर्स। अब आते हैं नो पे, कभी भी आपको नो बोलना है यानी किसी चीज को मना करना हो तो आप नो का यूज मत करना, थोड़ा सा डाउन जाता है ये, मैं आपको इसकी जगह बता देता हूं, और वो है नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। भैया बड़े बड़े का जमाना है, जरा अच्छा लगेगा ये वाला बोलोगे तो, जैसे खाना खाना है, नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल भी नहीं, नो पहले नो, मरगिल्ला सा लग रहा है, दिल चारा बेचारा खा नहीं पा रहा, या फिर मोबाइल है क्या तुम्हारे पास, नॉट
एट ऑल, यानी कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं है। और यस और नो की जगह आप इन दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे टीवी देखना है तुम्हें, नॉट एट ऑल, नहीं जी बिल्कुल भी नहीं देखना, वहां चले थोड़ी देर वहां बैठे, नॉट एट ऑल, नहीं जी मुझे बिल्कुल भी नहीं बैठना है। तो इस तरह से जब आप बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलोगे तो सामने वालों को लगेगा कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। नोट कर लो, नोट कर रहे हो ना, अबे भैया नोट करते चलो साथ साथ, नहीं तो दोबारा वीडियो देख लेना। आओ अब नेक्स्ट वाली टिप जो ट्रिक जो भी है इंग्लिश वीक है मेरी, उस पर नजर मारे। और भैया नेक्स्ट वाला है, अरे ये तो तीन तीन आ गए एक साथ, नेक्स्ट वाले हैं व्हाई व्हेन एंड वेयर। व्हाई व्हेन एंड वेयर, ये हमारी एक WH फैमिली है, उसके परिवार के सदस्य हैं ये, लेकिन ये तीन बहुत काम आते हैं जहां हम ग्राउंड जीरो से सीखते हैं। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो व्हाई व्हेन एंड वेयर, आप सुनो क्या क्या हिंदी क्या है। व्हाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, और वेयर मतलब कहां, ये तो सभी को पता होता है जी, ठीक है, डिक्शनरी मिल जाएगा, तब तो गूगल ही बता देता है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि इसका यूज कैसे करना है। तो सुनो, व्हाई का यूज हमेशा रीजन के लिए करेंगे, यानी कभी वजह पूछनी है किसी चीज की, उसकी वजह बताओ, तो आपको सिर्फ इतना बोलना है व्हाई। और व्हेन का यूज करेंगे जब भी आपको टाइम पूछना है, किसी चीज का स्पेसिफिक कोई टाइम है वो पूछना है, तो व्हेन का यूज करेंगे। और वेयर का यूज जब करेंगे, जब आपको किसी चीज की जगह पूछनी है, प्लेस के बारे में पूछना है। अब चलो एक एक करके पहले व्हाई की बात करते हैं। यार कल मैं सो रहा था, अब आपको वजह पूछनी है, क्यों सो रहे थे, बस इतना पूछ लो व्हाई, वो फिर जवाब देगा। यार आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, वजह पूछनी है, क्यों नहीं खाओगे, व्हाई। या फिर उसने कहा यार आज मेरा दिल नहीं कर रहा, आज मैं बाहर जाना चाहता हूं थोड़ी देर, आपको वजह पूछनी है, रीजन पूछना है, क्यों क्यों बाहर जाना चाहते हो, व्हाई। तो इस तरीके से जब आप एक्सप्रेशन के साथ पूछोगे, ऐसे नहीं पूछना है व्हाई, इतना थोबड़ा खराब लग रहा है, एक्सप्रेशन के साथ पूछना है, यार आज मेरे पेट में दर्द नहीं, वजह तो आपको पूछनी है ना, यार आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, व्हाई। देखो why, देखो why, कितनी बार दे दिया, इतनी बार तो स्टार प्लस पे भी नहीं देते, सही है। अब दूसरा आ जाता है आपका when, जब भी पूछना, जब आपको टाइम पूछना हो किसी चीज का, भाई साहब शादी आ रही है उसकी, आपको पूछना कब है, कब है, तो आप कुछ मत पूछो, इतना पूछ लो when, तो इसका मतलब कब है, टाइम पूछ रहे हैं, यार हमें कल मार्केट चलना है, when, कब चलना है, यार बारात आ रही है, बारात, when, कब आ रही है। और लास्ट है where, जब भी आपको किसी चीज की जगह यानी स्थान पूछना हो, तो आप where पूछेंगे, यार उसने फ्लैट ले लिया, वेयर, कहां ले लिया, जगह पूछ रहे हैं, कहा भाई उसकी शादी है 3 तारीख की, वेयर, कहां पे है, चलो भाई दावत में चल रहे हैं, वेयर, कहां पे चल रहे हैं, कहां। तो वेयर जैसे आप बोलेंगे तो सामने वाले के सवाल के साथ ये सवाल जुड़ जाएगा कि कहां पर, तो आपको बस लंबा चौड़ा नहीं बोलना, इतना सही बोलना है ना कमाल का। तो भाई साहब देखा, आज आपने बिना ग्रामर के भी आप बहुत सारे वर्ड्स को अगर समझ ले तो आप बिना ग्रामर के भी इंग्लिश बोल सकते हैं, और बहुत अच्छी बोल सकते हैं, नॉर्मल से भी ज्यादा अच्छी। और इंग्लिश कोई हवा नहीं है, मैंने भी ऐसी सीखी है, मैं अब मुझे तो नाम भी लिखना नहीं आता था 10th क्लास में, सरताज नाम की स्पेलिंग लिखता था KPLZ, पता नहीं मास्टर ने थोड़ा ही तोड़ा मेरा बचपन से आज तक। तो सही, आप भी बोल सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। तो भाई साहब आज आपके लिए कोई यूवर्क या होमवर्क नहीं है, लेकिन आने वाली क्लासेज में यूवर्क होमवर्क दूंगा। ये था पार्ट वन, इसके टोटल 5 पार्ट्स में आपके लिए बनाने वाला हूं। पहला कैसा लगा पहले वही बता दो, लेकिन लाइक 10,000 तक पहुंचा देना प्लीज, देखो 10,000 लाइक, एक एक करोगे तभी 10,000 पहुंचेंगे। और जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, पूरे मोहल्ले में फैला दो कि ग्राउंड जीरो से इंग्लिश 5 दिन में सिखाने का दावा कर रहे हैं, मतलब 5 बढ़िया-बढ़िया रोज टिप्स देंगे। और वीडियो को लाइक कर देना, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक बोल दिया, दोबारा बोलना पड़ेगा, एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।